प्रिया का बर्थडे मेरे घर पे सेलिब्रेट करेंगे। बस बंद करो ये बहस। मैं अभी जिंदा हूं मान, और तेरा बाप हूं। जो मैं कहूंगा वही होगा। 2 दिन नहीं हुए उस आलू को जानते पर उसने बच्ची को अपनों से ज्यादा समझ लिया। यहां से वीर ने बोला, ये सब ड्रामा है बाबूजी, आप नहीं जानते इसको, ये कौन है, क्या किया इसने। बस नहीं जानना मुझे, कुछ नहीं जानना। मर जाऊं मैं तो चला लेना अपनी मन मर्जी, पर जब तक मैं जिंदा हूं मेरी आलू के मन में कोई नहीं दुखाएगा। उसका जन्मदिन यही मनेगा आज, ये मेरा हुक्म है। अब है किसी में हिम्मत तो जाए मेरे हुक्म के बराबर। तूने भी सुना नन मान सर, आपको देखा आलू को हक कर लिया उन्होंने, निकल गए। वीर भी निकल गया यहाँ पे, उन्होंने चलो ओए बंगला पाओ, मेरी आलू का 10वां जन्मदिन है। Hi, I'm Devulina Patacharji and you are watching FIFA Fools. Thank you. Hi Devulina, welcome to FIFA Fools. Hi. सबसे पहले तो न्यू शो के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, काफी समय बाद आपने बैक किया है। आपको अब तक साथ निभाना साथिया में देखा है एज अ गोपी हो के कैरेक्टर में, वो कैरेक्टर काफी ऑडियंस को पसंद आया था और काफी पसंद किया गया था। अब न्यू कैरेक्टर के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? डेफिनेटली इस कैरेक्टर को लोगों ने इतना पसंद किया है, इसलिए शायद यू नो जितना प्यार मिलता है मुझे उससे, वो आज भी मिलता ही आ रहा है। एंड दिस कैरेक्टर इज टोटली डिफरेंट, लाइक बहुत ज़्यादा कैरिंग तो वो भी बट यहाँ पे जैसे इंडिपेंडेंट है या ब्रेव है या स्ट्रॉन्ग है या थोड़ी काफ़ी हद तक अलग है, बट एट द सेम टाइम जो कैरिंग है, जो वॉर्म है, जो लोगों में भी था एंड दिशा में भी है, तो कुछ ऐसे सिमिलैरिटीज भी हैं जो शायद आपको देखने को मिले। बट एज ए जर्नी इफ आई से, स्टोरी लाइन आपको बहुत अच्छी लगेगी आप देखोगे तो। स्टोरी बहुत अच्छी है इसकी, एंड जब मैंने पहली बार सुना था तो मुझे इंस्टेंटली ही क्लिक किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था, थोड़ा अलग लगा था मुझे। एंड आई रियली वॉन्ट कि लोग ये देखे, नॉट बिकॉज आई एम डूइंग इट और बिकॉज यू नो एनी अदर रीज़न, बट बिकॉज ऑफ द जो स्टोरी लाइन है वो बहुत ही प्यारी है, एंड जो बच्चे भी आए हैं वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। सो आई यस, मतलब दिस शो लाइक डिजर्व्स अ लॉट ऑफ लव, एंड आई एम श्योर कि आप लोग देखोगे ना तो आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगेगा। इसी के साथ सीन के बारे में जानना चाहेंगे, क्या कुछ चल रहा है सीन में? मानसर आते हैं, वो आपने जो डेकोरेट किया है बर्थडे का सेलिब्रेशन का, वो तोड़ते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मानसर थोड़े नाराज़ है बिकॉज आलिया उनकी ही ग्रैंड डॉटर है, एंड उन्होंने उनको पनिश किया है उसको कि यू नो यू कांट सेलिब्रेट योर बर्थडे फॉर सम रीजंस। रीजंस के लिए आपको देखना पड़ेगा शो, मैं सब कुछ तो नहीं बताऊँगी। तो बट दिशा मेक श्योर कि नहीं, आलिया का बर्थडे मानना है, मतलब मनाना ही चाहिए, सेलिब्रेट करना ही चाहिए, बच्ची है, इतनी कोई गलत उसने कुछ किया नहीं जिसके वजह से उसको इतनी बड़ी सज़ा मिली है। सो वी ऑल शुड सेलिब्रेट। एंड मान सर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, हमारा पहला इंटरेक्शन मतलब शो में, ओके इसका भी दूसरा कुछ मतलब मैं निकाला तो शो में, सो उसमें तो इसके वजह से उनको और ज़्यादा गुस्सा आता है कि बाहर की एक अनजान लड़की आके घर पे वो इतना कुछ कर रही है, वो भी मेरे अगेंस्ट जाके, तो वही कुछ हमारी बीच में अनबन हो जाती है। बट एट दी एंड सब कुछ ठीक ही होता है, एंड हम लोग आलिया का बर्थडे सेलिब्रेट कर लेते हैं। ओके, इसी के साथ जानना चाहेंगे, पापा आ रहे हैं, आपने पापा की तैयारी किस तरीके से की है? पूछो मत बाबा, पूछो मत, मतलब सब कुछ मेरे हस्बैंड भी कर रहे हैं, एंड भाभी भी है, मेरे फ्रेंड्स हैं, सो दे आर हेल्पिंग, मेरा एक भाई भी है, सो दे ऑल आर हेल्पिंग ईच अदर। मैं सिर्फ फ़ोन पे हेल्प कर रही हूँ कि वो ये कर लो वो कर लो, बट यार
अभी इतने सालों से शांत मेरे साथ गणपति कर रहे हैं, सो ही नोज एवरीथिंग. सो मुझे कुछ बहुत ज़्यादा, एकदम मम्मी नहीं है तो और थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्टी हो रही है, बट ये ही इज़ देयर. सो मैं थोड़ी स्ट्रेस भी हूँ एंड ही इज़ मैनेजिंग एवरीथिंग फ्रॉम डेकोर टू फूड टू लाइक यू नो ग्रॉसरी से लेके सब कुछ ही इज़ डूइंग इट. तो मैं अभी शाम को जाऊँगी, उसके बाद करूँगी जितना मेरे से बन पड़ेगा. ओके, फैंस के लिए क्या कहना चाहिए? फैंस के लिए ये कहना चाहूँगी, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आप सबके सपोर्ट के लिए. एंड ये शो देखिए अच्छे से, आई एम श्योर आप लोग को अच्छा लग ही रहा होगा. आगे भी बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं जो आपको देख के बहुत मज़ा आने वाला है. एक नाम और चैनल आई डी, फीफा फूज. फीफा फूज